सतयुग, जहां पे सत्य ही सत्य होगा, नहीं होता है, होता है होगा क्या मतलब है? आज ये वीडियो कुछ विशेष बनने वाला है दोस्त, थोड़ा इजी हो जाओ, थोड़ा झूठ से बोलो भाई, इधर उधर हट। सत्य की बात करनी, सत्य को आप हटा नहीं सकते, सत्य तो चारों तरफ विद्यमान है क्योंकि सत्य ईश्वर है। झूठ से कह सकते हो भाई, थोड़ा सा इधर हट जा, थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे तेरे बारे में, पहले ये वीडियो देख लेते हैं। सत्ययुग यानी कि जहाँ पे सत्य ही सत्य, ये तो समझ में आता है, नॉर्मल सी बात, मगर जहाँ पे झूठ है ही नहीं, झूठ की उत्पत्ति तो सत्य के बाद होती है, सत्य यानी सत्ययुग, जब वहाँ झूठ ही नहीं है तो मोक्ष की जरूरत ही क्या है? आप वहाँ सिर्फ सत्य से जुड़े हुए हो, सत्य माने ईश्वर, तो मोक्ष की तो जरूरत ही नहीं है। जैसे ही देखो, सत्य कह नहीं जाता, हम सब सत्य में ही हैं, ईश्वर में हैं, झूठ जन्म लेता है किसी इंसान के द्वारा, फिर वो फैलता है बहुत सारे लोगों से जीवन में अपना लेते हैं। ये वाला टॉपिक नहीं है मेरा, मेरा टॉपिक यह है कि अभी मेरे जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है कि सतयुग में, सतयुग का मतलब है कि मोक्ष की जरूरत नहीं। कई लोगों ने कमेंट लिखे, बहुत अच्छे कमेंट लिखे, बहुत अच्छी बात है। एक लिख रहा है कि आपको इतने अंदर तक जानकारी है, आप कौन से महात्मा हो। एक लिख रहे हैं कि ये तो सच बात है कि वहाँ पे कोई गलती ही नहीं होगी तो मोक्ष की जरूरत ही क्या है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अगर आप सत्य भी बोलते हो और सतयुग में नहीं हो, अगर आप सत्यवादी भी हो और सतयुग में नहीं हो, कलयुग में या किसी भी युग में हो, तो आपको मोक्ष की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ सच बोलने से ही मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। आप सच बोलो, मैं तो इस दुनिया में बहुत मोहित हूँ, मुझे बड़ा मोह हो गया है फूलों से, इन दुनिया की संसार से, तो मोक्ष कहाँ है? आप तो खुद ही कह रहे हो, सच बोलने से नहीं। सच भी बोलो और मोह न रखो, तो वो तो सतयुग में तो चीज़ें है ही नहीं जिनसे आप मोहित हो सको। मोहित होने के लिए एक ही है, महामोहित करने वाले श्री हरि, महाशक्ति, उनके यहाँ रहोगे तो मोक्ष की जरूरत नहीं है। मगर अगर सिर्फ सत्य ही बोलोगे, सोचोगे कि मोक्ष मिल जाए, नहीं, सच बोलना अच्छी बात है। आप जब सच बोलोगे तो उसका अर्थ भी समझोगे कि आप संसार से मोहित हो, कोई समझाएगा नहीं, मोहित नहीं होना चाहिए, आप तो सत्यवादी हो, आप ईश्वर की राह में चलिए। सिर्फ सत्य बोलना ही मोक्ष नहीं, मोक्ष की जरूरत सतयुग में नहीं है, मगर अगर सत्य भी बोलते हो और कलयुग या दूसरे युगों में है, तो उस मोह से तो निकलना पड़ेगा, मोह करना है तो ईश्वर के प्रति।